है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं जा रहा हूँ बनारस, वहाँ पे मेरा काम है, एग्ज़ाम होने वाला ग्रुप डी का, तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स। हमारी ट्रेन आने वाली है थोड़ी देर में। हमारी ट्रेन आने वाली है। हमारी ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी है। मैं विभूति एक्सप्रेस में के जनरल कोच में बैठा हूँ, जो आगे की बोगी है, और हमारी ट्रेन यह स्टेशन से खुल चुकी है फ्रेंड। तो अब आगे का सफ़र शुरू होता है। अभी गमर स्टेशन पे हमारी ट्रेन आ चुकी है, और यह इसके पीछे बक्सर जंक्शन छूट गया, उसे कवर नहीं कर पाया फ्रेंड्स। गामर स्टेशन पर भी कुछ पैसेंजर चढ़े हैं फ्रेंड्स इस ट्रेन में, और यहाँ से ट्रेन खुल चुकी है। और यहाँ देखिए, हरे भरे धान के खेत लगे हुए हैं। ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पहले रुकी हुई है, क्योंकि इसको सिग्नल अभी नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर में हम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंच जाएंगे। वहां सामने देखिए, ट्रेन के ऊपर भी रेलवे ट्रैक बना हुआ है, जिससे मालगाड़ी जा रही है।
अब हमारी ट्रेन वाराणसी जंक्शन पर पहुंचने वाली है और ये प्लेटफार्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन लगेगी। चलो इधर ही उतर जाएगा। धन्यवाद। ये है फ्रेंड्स, अभी हम वाराणसी जंक्शन पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन 9:30 बजे ही पहुंच गई है यहाँ पे, प्लेटफार्म नंबर 2 पे आई थी। अब चलते हैं एग्जाम सेंटर के पास, यहाँ से ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा मुझे। इससे पहले कुछ नाश्ता भी कर लेते हैं यहाँ पे। चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, वो सेकेंड सीटिंग में था। तो अभी हमारा एग्ज़ाम हो गया, हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन और यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे अब। तो आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद फ्रेंड्स। Dada, 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 dada